आप देख रहे चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में घर से गायब हुई 2 माह की बच्ची के रहस्य का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बच्ची की कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी ही मां निकली। एसएसपी राजेश एस ने बताया कि बच्ची के पालन पोषण में आ रही दिक्कत के चलते मां रिजवाना ने बच्ची को घर के बाहर निकले नाले में फेंक दिया था और खुद को बचाने के लिए बिल्ली द्वारा बच्ची को उठा ले जाने की कहानी बनाई गई थी। पूंछ थाना अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह की यह कहानी गले नहीं उतर रही थी। जब उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की तो रिजवाना ने सच्चाई बयां कर दी। वहीं चर्चा है कि बच्ची के बार बार रोने से परेशान होकर उसकी मां रिजवाना ने ममता का गला घोंट दिया। पुलिस ने रिजवाना के पति की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सर पूछ में एक बच्ची मिली है, सर क्या प्लान है? झांसी जनपद में थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक 2 माह का बच्ची गायब होने का सूचना मिली थी। उसमें पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गया था और अलग अलग टीम बनाकर पूरा सर्च ऑपरेशन किया गया था। उसमें उसी दिन मुकदमा भी लिखा गया था किडनैपिंग का। परिवार लोग ये कहने लगे कि एक बिल्ली ले गई है, ऐसा आशंका है, इस तरह कहने लगे। बट पुलिस उसको मन में रखते हुए और अन्य चीज़ें में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। इसमें परिवार लोग एक एक करके सबसे पूछताछ भी होने लगी। कल तक डेड बॉडी भी नहीं मिली थी, बट कल जब शाम दोपहर और आसपास जब डेड बॉडी नाले में मिल गई थी, उसके बाद जो पुलिस का शक है वो परिवार का मेंबर पे ही चलने लगा, क्योंकि इसमें जहाँ जो बच्ची का डेड बॉडी मिली थी वहीं का आसपास माताजी शौच के लिए गई थी। तो पूछताछ में फिर ये निकल के आ गया कि जो बच्ची का माँ वो स्वयं उनको उस नाले में फेंक दिया था। और कारण वैसे पूछताछ में ये बता रही कि वो 2 माह का बच्ची को पालन पोषण नहीं कर पा रही है और उस समय थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ गई थी। हो सकता है और कोई कारण हो, क्योंकि घर का अंदरूनी बात है और इसका फिलहाल अभी माँ ने स्वयं एक्सेप्ट कर लिया है और उनको अभी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर मानसिक संतुलन की बात की है, लड़का भी साथ में था 1 साल का, लड़की भी थी, उसको क्यों फेंका? ये इनका 1 साल का बेटा है, जो पहला बच्चा 1 साल का बेटा है। दूसरा बच्चा जो 2 माह का बेटी जिसको अभी जो हत्या हुआ है, इनका वैसे दूसरा शादी है। और कोई कारण हम लोग बहुत एंगल से पूछताछ भी कर रहे थे, मोटिव एग्जैक्टली क्या हो सकता, फिलहाल अभी इतना पता चल रहा है कि परेशान होकर फेंक दिया है। और कोई इन्वेस्टिगेशन में और कोई हो सकता है कि कोई और मोटिव निकल के आएगी, बट फिलहाल अभी माँ ने ये दुखद घटना कर दिया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ? पहले तो जब बच्ची गायब हो गई थी तो किडनैपिंग का सेक्शन 363 में हम लोग लिख किए थे। जब डेड बॉडी मिल गई थी उसके बाद तरमीम होकर हत्या में हम लोग महिला को जेल भेज रहे हैं। ये बिल्ली वाली कहानी के पीछे इसकी मंशा क्या थी? महिला की क्या बचने की मंशा थी, घुमाने की मंशा थी पूरे हत्याकांड को? हो सकता है कि माँ स्वयं बचने के लिए ये बिल्ली वाला कहानी, परिवार की तरफ से भी ये बताया गया है कि बिल्ली देखा गया था 1 हफ्ते पहले भी वहाँ, उस समय देखा गया था। हालांकि हम लोग ये सोच रहे थे कि बिल्ली अगर आके लगभग दो किलो वजन का अगर बच्ची को ले जा सकती है क्या, इसलिए वन विभाग का टीम के साथ भी वो पूरा का पूरा इलाका में पूरा हम लोग सर्च ऑपरेशन भी किए थे। बट जिस तरह घटना ब्रीफ कर रहे थे और जब पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, माँ का रिएक्शन अगर हम लोग पहले से देख के रखे थे तो इसलिए हम लोग पहले से कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि परिवार की तरफ से भी ये बताया जा रहा था कि बिल्ली ले गया ऐसा। तो बट पुलिस ने इसमें शांतिपूर्वक इन्वेस्टिगेशन करके इसमें बहुत दुखद घटना है, जो माँ ने स्वयं अपना 2 माह का बेटी को जो फेंक दिया था उन्हें खुलासा कर दिया। ये हत्या कैसे की है, जल्दी फेंक दिया या पहले मारा उसको? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अभी प्राप्त हुआ जिसमें ये पता चला कि एंटीमार्टम ड्रोनी है, तो यही है कि जिंदा ही फेंका गया। और भी कोई शामिल है इसके अलावा? इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं लग रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।